खबर अंबेडकर कॉलोनी से आ रही है, जहां सूरज सिंह पिता मिश्री लाल जाटव ने एसपी से गुहार लगाते हुए कहा कि दिवाली के आसपास मेरे बड़े लड़के बोध प्रकाश के पास पटवारी ब्रज नारायण माथुर का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपके पिता के नाम ग्राम गिरमौर में जमीन निकली है, आप तहसील आ जाओ। उसके बाद सूरज सिंह और उनका लड़का बोध प्रकाश और सूरज का भाई रमेश तहसील पहुंचे, जहां पटवारी ने उनसे कहा कि 3,000 रुपया दो, आपकी जमीन निकल जाएगी। उसके बाद उन्होंने तहसील के पास कोने में पैसे दे दिए। उसके बाद पटवारी से मिलने की कोशिश की पर पटवारी नहीं मिला, उसको फोन भी किया तो उसने फोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर से फोन किया तो पटवारी ने फोन उठा लिया, जिस पर वह बोला कि अभी व्यवहार है। उसके मार्च में सूरज सिंह पता करते उसके घर कमलागंज पहुंचे, जहां पर पड़ोसी से पता चला कि वह यहाँ किराए से रहते थे और 3 माह पहले ही खाली कर गए हैं। क्या नाम है फोन का? सूरज सिंह। कहाँ से आए? अम्बेडकर कॉलोनी। क्या समस्या लेके आए थे? जे क्या कहते हैं भी पटवारी ने मुझे धोकर के पैसा ले गया। जाके अगर पैसे ले लिए? तेरी जमीन में कर रही है और वो से भैया से पैसा ले लिया 3,000। आपको जानकारी कैसे लगी कि पटवारी ने मतलब घर पर गया था या फोन वगैरह? नहीं, उसने फोन लगाया। किसको? मेरे को, मोड़ा को। फिर क्या बोला? कहीं जमीन न करेगी तुम्हारी तो हम क्या कहते पैसा ले के और तहसील आ गए। हाँ, बच जाइए। और पटवारी ते ताजना से भज गया वो मकान नकार के। कहाँ रहता था? अम्बेडकर कालो। पटवारी का रहता था? कमलागंज। कमलागंज? हाँ हाँ। कितने दिन हो गए आपको? अमन को पैसे दिए? मामन देख रहे होंगे ना पैसा।